हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी प्यारी दीपिका। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जोक लेके आई हूँ। प्लीज 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 अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। दीपिका। हाँ सर। आज तो गिनती सुनाओ तो। एक, दो, चार, पांच। ए रुक 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 रुक, ये तीन कहाँ गया बे? हो गई। ए बेवकूफ लड़की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम बेवकूफ नहीं हो? नहीं। तो एक बात बताओ तो। पूछो। अगर तुम रास्ते में जा रही हो और वहाँ पर एक नोट 500 का गिरा हो और दूसरा 2000 का गिरा हो तो तुम किसको उठाओगी? 2000 को उठाऊंगी मैं तो। कर दो ना बेवकूफों वाली बात। क्यों? मैं तो दोनों उठा लेता। एक बार इंडिया की पुलिस और चाइना की पुलिस तथा अमेरिका की पुलिस में बहस हो गई। अमेरिका की पुलिस कह रही थी कि हम सर्वश्रेष्ठ पुलिस वाले हैं, चाइना की पुलिस कह रही थी कि नहीं नहीं हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुलिस वाले हैं, और इंडिया की पुलिस कह रही थी कि नहीं नहीं हम सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस वाले हैं। तीनों में बहस हो गई। तीनों ने निर्णय लिया कि साबित करना है कि कौन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुलिस वाला है। तो तीनों जंगल में गए और जंगल से एक खरगोश पकड़ कर लाए और उन्होंने उस खरगोश को फिर से जंगल में छोड़ दिया और कहा कि जो इस खरगोश को सबसे पहले पकड़ कर लाएगा, जल्दी पकड़ कर लाएगा, वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुलिस वाला कहलाएगा। बात तय हो गई। तो सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई और अमेरिका वाली पुलिस गई और उस खरगोश को एक हफ्ते में ढूंढ कर लेकर चली गई। खरगोश को फिर छोड़ दिया गया और इस बार चाइना की पुलिस उसे ढूंढने गई। चाइना वाले 10 दिन के अंदर उसको लेके आ गए और एक बार फिर से खरगोश को जंगल में छोड़ दिया गया और इस बार बारी इंडियन पुलिस की थी। इंडियन पुलिस गई और 1 महीने तक वापस ही नहीं आई। तो ये दोनों परेशान हो गए कि अरे भाई ये सब कहाँ चले गए, क्या करने लगे। तो ये दोनों जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि इंडियन पुलिस एक बंदर को रस्सी में बांध कर पेड़ पर लटका कर डंडे से पीट रही थी और उससे कबूल करवा रही थी कि बंदर बोल मैं ही खरगोश हूँ, मैं ही खरगोश हूँ। का एक तो सवाल पूछे। पूछे सर। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। और एक साल में कितनी रात्रि होती है? 10। वो कैसे रे? अरे दीपिका। हाँ सर। एक तो सवाल का जवाब बताओ तो। आप पूछे सर। अरे ये बताओ, ये मुर्गी का पैर इतना छोटा कहाँ होता है बे? कैसा बड़बक मास्टर है, अगर मुर्गी के पैर बड़ा होता तो मुर्गी का अंडा गिर के फूट ना जाता सर। ये कौन तुमको पढ़ाया है बे?